मुल्तान हाईकोर्ट बेंच में साबिक एक्साइज इंस्पेक्टर सिकंदर उज़्ज़मा की अपूरी जमानत दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने मुल्ज़िम की अपूरी जमानत खारिज करते हुए गिरफ्तार करने के अहकामात जारी कर दिए। केस की समाअत जस्टिस फारूक हैदर ने की। अदालत ने दरख्वास्त खारिज करते हुए मुल्ज़िम सिकंदर उज़्ज़मा की गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए। अदालती अहकामात के बाद एंटी करप्शन ने मुल्ज़िम को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी पर मुल्ज़िम के साथियों ने एंटी करप्शन की टीम पर हमला कर दिया। मुल्ज़िम के साथी मुल्ज़िम को फरार करवाने की कोशिश करते रहे, जिस पर हाथापाई भी शुरू हो गयी। तहम एंटी करप्शन के हमले ने मुल्ज़िम के फरार होने की कोशिश को नाकाम बना दिया और मुल्ज़िम को अपने साथ ले गयी। फाजिल अदालत में मुल्ज़िम ने दरख्वास्त दायर करते हुए मौकिफ इख्तियार किया था कि मुझ पर झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए हैं, लिहाजा अपूरी जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने अपूरी जमानत खारिज करते हुए गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए।